सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले गरेना फ्री फायर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि भाई आज रात 12 बजे बाद आप लोग को टॉप अप इवेंट में क्या देखने को मिलने वाला है। साथ ही भाई मैं आप लोग को दिखाऊंगा हमारी नेक्स्ट इवोल्यूशन गन M4A1 की स्किन। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के न्यू मैजिक क्यूब इवेंट, जिसमें भाई आप लोग को एक मैजिक क्यूब बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा। और बात करेंगे न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यार अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस करने वाले हो। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक तरह की छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप में से जो कोई पहली बार चैनल पे आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो यार ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को एक एक करके सारी की सारी अपडेट्स के बारे में बताता हूं, जो आप लोग अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग कल की वीडियो में हमारी न्यू स्काइविंग की स्किन और उसके प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में बताया था, वो आप लोग को हमारे इंडियन सर्वर फेडरल इवेंट पर देखने को मिली गई होगी। तो भाई हमारी न्यू स्काइविंग की स्किन को मैंने आप लोग को लॉबी में तो दिखा दिया था, लेकिन भाई हमारे गेम के अंदर किस तरीके से आप लोग ये देखने को मिलने वाली है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यार जैसे आप लोग गेम के अंदर एंटर करते हो तो भाई आप लोग का जो एरोप्लेन होता है वो अलग से चलता है, भाई आप लोग अपना एरोप्लेन अलग से चला सकते हो। मतलब कि भाई आप लोग को स्टार्टिंग से ही हमारी न्यू स्काइविंग की स्किन दे दी जाती है, उसमें बैठ के भाई आप लोग उतर सकते हो। तो भाई ये चीज मेरे को इस स्काइविंग की काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना भाई कौन कौन इस स्काइविंग की स्किन को निकालने वाला है, क्योंकि भाई मैंने आप लोग को इस स्काइविंग की स्किन के बारे में काफी टाइम से बताया हुआ था, तो आप लोगों ने डायमंड्स वगैरह तो बचा के रखे होंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों की M4A1 गन स्किन के बारे में होने वाली है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग हमारी M4A1 गन की स्किन कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी, जो कि Level 1 पर आप लोगों को कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। और Level 3 की बात करें तो भाई आप लोग Level 3 पर भी देख सकते हो आप लोगों को इस तरह की नजर आएगी। और लास्ट में आप लोगों को Level 7 की देखने को मिल जाती है। तो भाई अभी इसका फुल रिव्यू निकल कर नहीं आया, लेकिन भाई जल्दी इसका फुल रिव्यू भी निकल कर आ जाएगा, जैसे आएगा तो मैं आप लोग को जरूर से दिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि भाई पहले आप लोग को हमारी EO फार्मस देखने को मिलेगी, उसी के बाद गाइस आप लोग को हमारी EO M4A1 देखने को मिलेगी। बाकी यार अभी आप लोग की EO M4A1 का फर्स्ट लुक निकल कर आया था, जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया। अभी हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आप लोग के नेक्स्ट इलाइट पास यानी कि भाई जनवरी मंथ के इलाइट पास के प्री ऑर्डर के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग हमारी जनवरी मंथ के इलाइट पास के प्री ऑर्डर में एक सरपोर्ट की स्किन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ओपी सरपोर्ट की स्किन दी गई है। तो भाई हो सकता है आप में से कोई इलाइट पास का प्री ऑर्डर करता हो, सो मैंने आप लोग को दिखा दिया। बाकी यार मेरी मानो तो भाई इलाइट पास का प्री ऑर्डर बिल्कुल भी मत किया करो भाई, एक सरपोर्ट की स्किन के लिए फालतू में क्यों ही डायमंड बर्बाद करते हो। क्योंकि भाई अगर आप लोग को डायमंड से खर्च करने हैं तो भाई इलाइट पास की जगह किसी गन स्किन में लगाया करो, जिससे कि भाई आप लोगों को हमेशा वो काम आएगी। खैर अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये लेजेंडरी रॉयल बताया था, जो कि भाई आप लोगों को कल रात को देखने को मिल जाएगा, यानी कि भाई 29 तारीख को आप लोगों को ये लेजेंडरी रॉयल देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस लेजेंडरी रॉयल में आप लोगों को एक स्काइतो की स्किन भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन यार इस स्काइतो की स्किन के बाद आप लोगों को कौन सी नई स्काइतो की स्किन देखने को मिलेगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो इसीलिए गाइस मैंने आप लोगों को ये लेजेंडरी रॉयल के बारे में बताया था कि भाई जिन बंदों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको भी पता लग जाएगा, और मैं आप लोगों को न्यू स्काइतो की स्किन भी दिखा दूंगा। तो भाई जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, इस क्रिसमस स्काइतो की स्किन के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह की हमारी न्यू स्काइतो की स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा ओपी स्किन होने वाली है, मेरे को भाई काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो भाई ये वाली स्काइतो की स्किन आप लोगों को अपकमिंग टॉप अप इवेंट में या फिर किसी और वेब इवेंट में OB32 आने से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप लोगों को क्रिसमस वाली स्काइतो की स्किन पसंद नहीं है तो भाई आप लोग इस वाली स्काइतो की स्किन का आने का वेट कर सकते हो। खैर अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के एक फेडरल इवेंट के बारे में निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग का हमारे न्यू एज इवेंट का मेल का बंडल कुछ इस तरीके के फेडरल इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बंडल होने वाला है। बाकी यार इसके साथ का फीमेल का बंडल हो सकता है आप लोग को बिल्कुल भी फ्री में क्लेम करने को मिल जाए। तो ये वाला फेडरल इवेंट भी आप लोग को हमारे जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि भाई आप लोग के एक फीमेल के बंडल के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे दुबई सर पर एक फेडरल इवेंट आ चुका है, जिसमें भाई आप लोग को हमारे एक ओपी सा फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है। तो यार आप सभी को तो पता ही होगा, इसके साथ का मेल का बंडल हमारे एक वेब इवेंट में इंडियन सर्वर पर डाला गया है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई आप लोगों को इसी तरह का फेडरल इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर देखने को मिल जाए, जो कि आप लोगों को हमारे न्यू एज इवेंट के मेल के बंडल के साथ ही देखने को मिल सकता है। और भाई जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जो इवेंट हमारे दुबई सर्वर पर डाले जाते हैं वही इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाते हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई आप लोगों को ये वाला फेडरल इवेंट जल्दी हमारे इंडियन सर्वर पर नजर आ जाए। इसके बाद हम लोग चलते हमारी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोग की न्यू गन स्किन के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सिंगापुर सर्वर पर एक न्यू फेडरल इवेंट चल रहा है, जिसमें हमें एक ग्रोजा की स्किन देखने को मिल जाती है। और बात करें इस गन स्किन के एट्रीब्यूट के बारे में, तो आप लोग को सिंगल डैमेज प्लस में देखने को मिल जाता है, डबल रेंज दी गई है। इसी के साथ में गाइस आप लोगों को मैगजीन सिंगल माइनस में दिया गया है, और इसी के साथ में गाइस आप लोगों को एक एसीएटी
एक इस गन स्किन में देखने को मिल जाती है। बात करें इस गन स्किन के एट्रीब्यूट के बारे में तो भाई आप लोगों को मैगजीन और डैमेज सिंगल प्लस में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप लोगों की रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है, तो भाई ये दोनों ही गन स्किन आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर फेडरल इवेंट में जल्दी नजर आने वाली है। मतलब कि भाई बाकी के हमारे सभी सर्वर पर ये गन स्किन डाल दी गई है, लेकिन भाई अभी हमारा इंडियन सर्वर ही बाकी रह गया है जिस पर अभी तक ये गन स्किन देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है आप लोगों को आने वाले एक दो दिन में ये गन स्किन देखने को मिल जाए। बाकी यार इसके अलावा आप लोगों की एक गन स्किन कन्फर्म हो चुकी है जो कि आप लोगों को फेडरल इवेंट में देखने को मिलेगी। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो गन स्किन आप लोग हमारी फेडरल इवेंट में देखने को मिलने वाली है, जिसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करते भाई आप लोग को सिंगल डैमेज और डबल मैगजीन प्लस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग को इस गन स्किन में भी रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने को मिलती है। तो भाई पहले तो ये वाली गन स्किन हमारे वेपन रोल के लिए निकल कर आ रही थी, लेकिन भाई अभी 100% कंफर्म हो चुका है कि भाई आप लोग को 6 तारीख को ये वाली गन स्किन हमारे इंडियन सर्वर पर फेडरल इवेंट में देखने को मिलेगी। लेकिन भाई अभी हमारे 6 जनवरी को आने में काफी ज्यादा टाइम है, इसलिए हो सकता है कि भाई आप लोगों को उससे पहले हमारी ग्रोजा की स्किन हमारे इंडियन सर्वर पर देखने को मिल जाए। बाकी यार ये गन स्किन तो आप लोग को 6 तारीख को देखने को मिलेगी मिलेगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के न्यू मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 जनवरी को आप लोग को एक न्यू इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग के हर मैच ड्रॉप होने के बाद आप लोग को कुछ फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। वो आप लोग को एक फ्रेगमेंट भी मिल सकता है, या फिर भाई हो सकता है कि आप लोग को कुछ ज्यादा फ्रेगमेंट भी क्लेम करने को मिल जाए। तो भाई 1 जनवरी को आप लोग जितना ज्यादा मैच खेलोगे उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर मैच ड्रॉप आप लोग को 100 फ्रेगमेंट मिलेंगे, जिससे कि भाई आप लोग मैजिक क्यूब एक्सचेंज कर पाओगे, लेकिन भाई उससे ज्यादा आप लोग को फ्रेगमेंट नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना गाइस आप लोग को जो भी मिशन वगैरह दिए जाए वो आप लोग 1 तारीख को जरूर से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भाई 1 तारीख के बाद आप लोग को ये चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो भाई आप लोग मैजिक क्यूब तो क्लेम कर लोगे, लेकिन भाई उसके कुछ टाइम बाद आप लोग को न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे आप लोग के न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को कर देना एक लाइक, एंड जो बंदे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लेना, ताकि आप लोग को आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे SSA के सर्वर पर तो कुछ इस तरह की वोटिंग करवाई गई है, जिसमें भाई आप लोग को 3 बंडल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें भाई आप लोग का हमारे एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला बंडल काफी ज्यादा रेयर माना जाता है वो भी दिया गया है। इसी के साथ में आप लोग को ब्लू आर्टिक बंडल भी देखने को मिल जाता है। यार इस वोटिंग में तो हमारे इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिससे कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक शॉक वाला बंडल SSA के सर्वर पर 30 तारीख को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो गाइस जब आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मैजिक क्यूब क्लेम करने को मिलेगा, उसी टाइम आप लोगों से हो सकता है कि भाई फ्री फायर वाले वोटिंग करवा ले, जिसमें आप लोग को ये तीनों बंडल्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि भाई बाहर के सर्वर पर बहुत ज्यादा ये वोटिंग करवाई जा रही है। तो भाई आप लोग अपना मैजिक क्यूब बचा के रखना, क्योंकि भाई काफी बंदे होते हैं जो मैजिक क्यूब मिलते ही बर्बाद कर देते हैं, मतलब यार कोई भी बंडल एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन भाई आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई आप लोग को कुछ इसी तरह की वोटिंग देखने को मिल जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में। तो भाई आप लोग को पता है आज रात 12 बजे बाद हमें एक न्यू टॉप अप इवेंट देखने को मिलने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सकता है कि भाई आप लोग को 100 डायमंड के टॉप पर हमारा न्यू नायरी कैरेक्टर देखने को मिल जाए, और इसी के साथ में आप लोग को इसका बंडल भी देखने को मिल सकता है। बाकी यार अभी तक हमारे डाटा माइनर्स ने कंफर्म नहीं किया है कि आज रात को आप लोग को टॉप इवेंट में क्या देखने को मिलने वाला है, बट 90% चांसेस है कि भाई आप लोग को हमारा नायरी कैरेक्टर भी देखने को मिल जाए। सो गाइस आप लोग के लिए सारी नई नई अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आप लोग को बता दी। तो होप करता हूं आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। भाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लो, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए कोई भी नई अपडेट की वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो यार मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll be right back.